अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर टू स्कर्दू सीरीज की एपिसोड नंबर 8 में खुश आमदीद। इस एपिसोड में हम स्कर्दू के बारे में कुछ तफसीलात जानेंगे। स्कर्दू शहर गिलगित बल्तिस्तान में वाकया पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का एक हिस्सा है। स्कर्दू ज़िला स्कर्दू और बल्तिस्तान डिवीजन के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है। सतह समंदर से 8202 फुट बुलंदी पर मौजूद स्कर्दू वादी शिगर और दरियाए सिंध के संगम पर वाकया है। इस वादी की सरहदें चीनी सूबे संक्यांग और लद्दाख से मिलती हैं, जो कि कराक्रम की अजीम चोटियों के पस मंजर में मौजूद हैं। बल्तिस्तान का यह सारा इलाका अपनी 5 वादियों जिनमें शिगर, स्कर्दू, खपलू, रोंदो और खरमंग जैसे मशहूर सियाहती मकामात की वजह से जाना जाता है, जहां बल्ती लोग तिब्बती और कॉकेशियन स्टॉक का मरकब हैं और ज़्यादातर बल्ती जुबान बोलते हैं, जो कि तिब्बती की कदीम शक्ल है। तिब्बत के साथ अपनी सकाफत और तर्ज ज़िंदगी और फ़न तमीर की मुमासलत की वजह से बल्तिस्तान को तिब्बत खुर्द यानी छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगर तारीख का जायज़ा लें तो 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी के लगभग बल्तिस्तान पर तिब्बती तसल्लुत के खात्मे के बाद बल्तिस्तान का मकपून ख़ानदान इस इलाके की हकूमत पर विराजमान हुआ, जिसकी बुनियाद एक कश्मीरी मुहाजिर इब्राहिम शाह ने रखी। इस शाही ख़ानदान ने 700 साल बल्तिस्तान पर हकूमत की और मकबून डायनेस्टी ने बल्तिस्तान की सरहदों को गीजर और चित्राल तक फैलाया। पहाड़ी चोटियों और ग्लेशियर्स के बेमिसाल झुरमुट के अलावा बल्तिस्तान का फल जिनमें खुशनुमा आड़ू, खुबानी, सेब, चेरी और नाशपती मशहूर हैं। स्कर्दू से शिगर की तरफ सफर करते हुए अस्कोल के मुकाम से आगे दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू भी वाकया है, जिस वजह से यह सारा खित्ता बैनुल अक्वामी शोहरत का हामिल खित्ता माना जाता है और हर साल एक कसीर तादाद नेशनल और इंटरनेशनल कोपेमा और टूरिस्ट इन खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। तो चलिए इन सभी वादियों के सफर पर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चिलम देवसाई से होते हुए स्कर्दू तक का सफर किया। इस एपिसोड में हम स्कर्दू से खरमंग का सफर करेंगे, जहां मंथोका और खामोश वाटरफॉल वाकया है। स्कर्दू शहर से खरमंग और मंथोका वाटरफॉल 60 से 70 किलोमीटर के सफर पर वाकया है और इससे आगे कुछ 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर आपको खामोश वाटरफॉल भी मिलेगी, जो कि एक खूबसूरत आबशार है। लेकिन उससे पहले हम नाश्ते की तलाश में स्कर्दू शहर में निकले। जी शुदा साहब, नाश्ता करने के लिए तैयार है? ओके, आए जी, चले। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। स्कर्दू इस वक्त स्कर्दू में मौजूद है और कल शाम बखैरियत हम स्कर्दू पहुंच गए थे, लेकिन मेरे जो कैमराज की बैटरीज थी वो सारी ड्रेन हो चुकी थी। सारी जो कैमराज की बैटरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो मेमोरी कार्ड्स थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। सो इस वजह से एंट्रेंस जो थी वो नहीं बन सकी स्कर्दू में, लेकिन सतपारा लेक तक जो है वो हमने व्लॉग बनाया, जो कि आपने देखा भी है। तो इस वक्त हम जरा स्कर्दू घूम रहे हैं और कोई नाश्ता करने की अच्छी सी जगह देख रहे हैं। मैं और शहजाद भाई मेरे साथ हैं और इस वक्त हम यादगार चौक से बेनज़ीर चौक जा रहे हैं। तो स्कर्दू भी भाई बहुत ज़बरदस्त इलाका है। मैं तो समझता था छोटा सा ये स्कर्दू छोटा सा शहर होगा, लेकिन इट्स प्रिटी बिग सिटी और एक शहर के लिहाज से जो यहाँ पे होना चाहिए वो बिल्कुल है। ये आप मेरे पीछे अगर देखें तो आपको साइन नज़र आएगा आई लव स्कर्दू का। और खूबसूरत माउंटेन्स से घिरी हुई ये वादी है और यहाँ को आप बहुत से रास्ते ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपने केटू जाना है, केटू माउंटेन, तो वो भी रास्ता यहाँ से निकलता है। खपलू, मंथोका, कचूरा लेक, बाशु, ये जितने भी इलाके हैं इन सब का रास्ता जो है वो स्कर्दू से निकलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्कर्दू है ये एक हब की मानद है, जहाँ से बहुत से जो खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है जो वहाँ पे रास्ता निकलता है। तो राइट नाउ वी आर इन स्कर्दू, विजिट कर रहे हैं यहाँ के इलाके। ये आप देखें, इस वक्त तो सब दुकानें बंद हैं क्योंकि हम ज़रा सुबह सुबह उठे हैं और अब बस नाश्ते की तलाश में हैं। हम ज़रा लाहौरी नाश्ता देख रहे हैं यहाँ पर, कोई चने नान चने वगैरह को निहारी वगैरह यहाँ पर मिले, लेकिन मुश्किल है। किसी ने हमें बताया कि आगे जो बेनज़ीर चौक है वहाँ से कुछ आपको मिलेगा, तो बस आप उसी तरफ जा रहे हैं।
शहजाद भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे भूख से, शहजाद भाई की हालत खराब हुई है। लास्ट हमें पाए मिल ही गए। कल देवसाई से पीछे आते हुए शहजाद भाई थोड़ा सा स्लिप हो गए थे और जो ये सेफ गार्ड था ये टूट गया था। तो ये सेफ गार्ड होता इसी वजह से है कि अगर आप कुछ गिर जाएं तो आपको ये सेफ गार्ड सेव करे। A few moments later. जी अभी ये जो पार्ट है ये हो गया वेल्ड और ये पदरी मेरे पास पड़ी थी जो काम आ गई। सो राइट नाउ अब ये टाइट होगा और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा इंशाल्लाह। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज करदू में हमारा दूसरा दिन है, कल शाम को पहुंचे थे। तो अब देखते हैं आगे खपलू और मंथोका ये कितनी दूर है। आई एम श्योर प्रीटी फार है, यहाँ से इजी तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं जा आगे। न्यू बाज़ार यादगार चौक स्कर्दू और अब जा रहे हैं आगे। शहजाद भाई लीड कर रहे हैं क्योंकि मैप उन्होंने लगाया और मेरा तो मोबाइल यहाँ से गिर गया था, ये मोबाइल कैचर जो है ये अच्छा नहीं है। सो शहजाद भाई लीड कर रहे हैं, हमने तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था वेदर को कि वेदर इतना ख़ास यहाँ पे ठंडा नहीं होगा, लेकिन इट्स प्रीटी कूल वेदर हियर। पहले तो प्रोग्राम ये था कि बाइक धुलवा लेते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है तो बाइक का हाल फिर वही हो जाना है। सो इसलिए बाइक को अब ज़रा नहीं धुलवा रहे, ऐसे लेके जा रहे हैं खपलू और मंथोका। उसके बाद इंशाल्लाह जब वापसी आएंगे अगर धूप शुभ का कोई सीन हुआ कल तो फिर इंशाल्लाह इसको धुलवाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ और पहाड़ मेरी तरफ आ रहा है। ये जी एक मॉन्यूमेंट है मार्का थोरगो पड़ी के हीरोज़ के नाम, और ये एक बुलेट का साइन है और नीचे जितने इसमें सोल्जर्स लड़े हैं और जो महाज है उसके बारे में कुछ तफसीलात चारे कोने जो हैं उस पर दी गई हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ये कब लड़ी गई और किन के माबेन लड़ी गई ये सारा कुछ यहाँ पे है। 2011 में इसकी ये मॉन्यूमेंट बनाई गई है। तो अब आगे जा रहे हैं मंथोका की तरफ। और फिर 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम खरमंग थोरगुबाला से होते हुए एक दुराहे पर आन पहुंचे। यहाँ मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि जब आप स्कर्दू से खरमंग हुसैनाबाद की तरफ आते हैं तो आपके पास 2 रूट चॉइसेस होती हैं। आपको ये तय करना होता है कि पहले कौन सी जगह एक्सप्लोर की जाए, क्योंकि खरमंग हुसैनाबाद आते हुए थोरगु चौंग से
एक रास्ता शिगर के लिए भी निकलता है और मंथोका और खपलू के लिए भी। सो अगर तो आप मंथोका और खपलू की तरफ जा रहे हैं तो ये रूट आपको इसी दुराहे पर ले आएगा जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जिसके राइट जानिब मंथोका और खामोश वाटरफॉल का रास्ता निकलता है और लेफ्ट जानिब हुमायूं ब्रिज, जो कि आपको खपलू की वादियों में ले जाएगी। सो हमने मंथोका और खामोश वाटरफॉल पहले जाने का फैसला किया और राइट जानिब का रूट लिया। हमारा ख्याल था कि हम ये दोनों वादियां खरमंग और खपलू एक ही दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस रास्ते पर हम गामजन हुए वहां से आगे मंथोका और खामोश वाटरफॉल थी, जिनसे आगे जाने पर आप कारगर पहुंच जाएंगे। इन जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद आपके पास इतना वक्त नहीं बचता कि आप वापस खपलू का भी सफर करें। सो यहां मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप पहले खरमंग और मंथोका और दीगर पॉइंट्स विजिट कर लें और फिर रात वहीं स्टे कर लें और फिर दूसरे दिन खपलू की वादियों का सफर करें, क्योंकि अगर आप वापस करदू सिटी में आएंगे तो आपको निस्बतन ज्यादा सफर करना पड़ेगा और फिर वापस हुमायूं ब्रिज ही आना पड़ेगा। ले जी, ये है जी वो रास्ता जो मंथोका वाटरफॉल की तरफ जाता है और जो उस तरफ जाता है वो जा रहा है जी खपलू। तो पहले तो हम मंथोका वाटरफॉल जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे खपलू। तो गामजन है मंथोका वाटरफॉल, सड़कें अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, बीच में कुछ पैचेस आते हैं लेकिन ऑल ओवर इट्स गुड। मंथोका की तरफ जाते हुए खूबसूरत सफर, सुभानअल्लाह। चेक करें जरा, ये फील्ड्स बनाई गई हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ काश्तकारी की गई है, सुभानअल्लाह। ये देखें ये कैसे पर्पल टहनी है, खूबसूरत। से गुजर रहे हैं, खूबसूरत तरीन गाँव, खूबसूरत ये सफर। इस सफर का भी कोई जवाब नहीं, इतना प्यारा सफर है ये। ले जी ये मंथोका जाते हुए एक चेक पोस्ट आ रही है, लेट्स सी, जिला खरमंग। अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत से है? अच्छा जी, अब आप खरमंग में आए तो ये वो जगह हैं जो आप इधर विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सारा इलाका मेहंदी आबाद खरमंग का कहलाता है जी। यहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है, अहले तशी हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है और बड़ा ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरा सा इलाका है। और यहाँ पर ये देखिए बैंक्स वगैरह, एटीएम वगैरह भी मौजूद हैं, ज़बरदस्त एस्टेब्लिश है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फील्ड्स। खरमंग स्कर्दू, दोस्तों इस वक्त हम खरमंग की वादी का सफर कर रहे हैं जो कि बल्तिस्तान की 5 अहम वादियों में से एक है और स्कर्दू शहर से 75 मील के फासले पर मौजूद है। 2015 में खरमंग एक इनफरादी जिला करार दिया गया, जिसका आर्जी हेडक्वार्टर तौलती नामी एक कस्बे में कायम हुआ। बल्ती जबान पर मुश्तमिल खरमंग असल में दो अल्फाज का मरकब है,
जहाँ खार का मतलब किला और मंग का मतलब कसरत से है, यानी वो जगह जहाँ किले कसरत से वाक़या हों। वादी खरमंग का एक और नाम कार्तशको भी है। इस वादी को खरमंग नाम सन 16 ईस्वी के बलती बादशाह अली शेर खान अंचन के दौर में दिया गया, जिसने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इस खित्ते में बहुत से किले तमीर कराए। इस इलाके के सियासी मकामात में मंथोका आबशार, खामोश आबशार, मेहंदियाबाद वैली और खरमंग खास वादी शामिल है। की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखें, आप इर्द गिर्द देखें कैसी खूबसूरत वादी है, और ये देखें आपको कैंपिंग के लिए जगह भी मिल जाती है यहाँ पर। जो लोग दूर से आ रहे हैं उन्हें होटल्स, गेस्ट हाउस और कैंपिंग, इन चीज़ों की सहूलत मैसर है। क्या बात है, खूबसूरत रोड है यार। देखिए ये सारा पानी मंथोका से आ रहा है। ले जी, पहुंच चुके हैं हम मंथोका। अस्सलाम वालेकुम, दो दे दो यार। यहाँ पे जी ये 100 रुपए की टिकट है जी, ये लेके आपको अंदर जाना पड़ता है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरमंग मंथोका वाटरफॉल। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं।
यहाँ पर आगे बंदा इतनी एक्साइटमेंट का शिकार होता है कि बंदा बस कहता है कि मैं यहीं पर बैठा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और मुनफरद ये वाटरफॉल है। और अब आगे एक और वाटरफॉल है, लेट मी शो यू द अदर वाटरफॉल। आप इस वाटरफॉल का नज़ारा इस कैंटीन में भी बैठ के बड़ा अच्छा ले सकते हैं। ये देखें, और एक आपको और चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये लकड़ी के छोटे छोटे से स्लीपिंग हट्स बने हुए हैं, इनमें बेड्स लगे हुए हैं। आप इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं फॉर नाइट, और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आएगा आपको जहाँ आपका वाटरफॉल का। ये देखें, अब आगे एक और वाटरफॉल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको वो वाटरफॉल दिखाते हैं। आए चलते हैं। सो राइट नाउ व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू खामोश वाटरफॉल। अब पता नहीं इसको खामोश कहते हैं या खामोश कहते हैं। सो यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, जहाँ से ये अब खड़मंग से हम मनटोका गए थे, और मनटोका से वापस जब आप चौंग में आते हैं तो सीधा आप जाते हैं खामोश वाटरफॉल की तरफ। तो अब घंटा हमें वहाँ पर जाने को लगेगा। अलैकुम, अल्लाह के शुक्र जी। कहाँ कर रहे हैं सर? इधर से जा रहे हैं खामोश वाटरफॉल। अच्छा जी, ले जी, तौलती से आगे हम आ चुके हैं और इससे आगे हम जा रहे हैं। आ जाओ, जबरदस्त, आ जाओ। हाँ, वहाँ से मोटरसाइकिल से। ले जी, ये खरमंग से आगे आता है तौलती, और बहुत से छोटे छोटे से शहर आते हैं। दोस्तों, जिस जगह का सफर हम इस वक्त कर रहे हैं इसका नाम तौलती है। तौलती बल्ती जुबान में छोटे तिब्बत को कहते हैं। ये गांव श्योक से दरियाए सिंध के संगम से तकरीबन 35 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाकया है, जो कि खरमंग का आर्जी हेडक्वार्टर भी है। खरमंग का ये खित्ता वो जगह है जहां से दरियाए सिंध हिंदुस्तानी इलाके लह से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है, और हिंदुस्तान में लह का इलाका लद्दाख का इंतजामी दारुल खिलाफा भी है। और अहमियत की हामिल यहाँ एक और बात कि खामोश वाटरफॉल से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर कारगिल का बॉर्डर एरिया आता है, जो कि हिंदुस्तानी इलाके लद्दाख से जाके मिलता है। ये पानी पानी ने अपना निशान छोड़े हुए हैं, ये हैं आगे है मेरा ख्याल है ना। नहीं जी, एंड पॉइंट ऑफ स्कर्दू। ये है वाटरफॉल। ओए 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 ओए, जबरदस्त यार इश्तदार साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत, माशाल्लाह यार। मैं जरा मोड़ गिराता हूँ, इधर लगा देते हैं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त स्कर्दू से आगे जो कि मनटोका वाटरफॉल है उससे भी आगे एक वाटरफॉल आती है जिसको आप खामोश वाटरफॉल कहते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है। अगर आप मनटोका आ चुके हैं तो मनटोका से थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फासला है, वो आप करके आगे आते हैं तो आपको ये खूबसूरत वाटरफॉल मिलती है।
जो कि ये देखें पहाड़ों के बिल्कुल दामन में है। ये सामने से सड़क आ रही है, ये पुल क्रॉस करके जब आप आते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारा आपका मुंतजर होता है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। और जब हम इस तरफ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ही वो बंदे हैं वो जो यहाँ पर आने की जसारत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर मैनी टूरिस्ट हियर एंड बहुत से जो लोग हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं इस जगह को, जो कि खूबसूरत तरीन जगह है। जितनी खूबसूरत ये जगह उतने यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है स्कर्दू से, तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर के फासले पर ये आती है। ये चूँकि बॉर्डर एरिया है और इससे आगे जो इंडिया का इलाका है वो कुछ 20 से 25 किलोमीटर का है। जी ये है जी ट्राउट और थोड़ी सी फिंगर चिप्स, और इस वक्त ये खामोश वाटरफॉल है। देखें कितना खूबसूरत ये पॉइंट है, और साथ में ऐसी चीज़ें हों तो मज़ा आ जाता है।